भदोही जिले में कक्षा 9 में पढ़ने वाला एक छात्र कल स्कूल आने के बाद अपने घर नहीं लौटा। 24 घंटे से भी ज्यादा समय बीतने के बाद छात्र का पता न चलने से नाराज ग्रामीणों ने स्कूल के सामने सड़क जाम कर हंगामा किया। वहीं रोड जाम होने के बाद एसडीएम और सीओ समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। परिजनों को समझाने की कोशिश करते रहे। बता दें कि भदोही के बीजापुर गांव के रहने वाले एक पेंटर का 18 साल का बाट मणिलाल भदोही कोतवाली क्षेत्र के मोड़ में स्थित सेवा सदन इंटरमीडिएट कॉलेज में कक्षा 9 में पढ़ता है। गुरुवार को सुबह वो स्कूल पहुंचा था, लेकिन उसके बाद वो घर नहीं लौटा। इंटरमीडिएट कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरा में 12 बजे छात्र कॉलेज परिसर में देखा गया, जहां एक संदिग्ध व्यक्ति भी उसके पीछे खड़ा नजर आया। परिजनों की शिकायत के बाद गुरुवार को ही पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी, लेकिन अभी तक पुलिस छात्र को नहीं ढूंढ पाई है। इसी के चलते नाराज परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर इंटरमीडिएट कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। सर, मेरा लड़का यहाँ पे 7 बजे पढ़ने आया और उसका 12 बजे तक क्लास है, तो यहाँ से मतलब निकलते समय बच्चे निकल गए, उसको मतलब एक कला विषय था, उसको रोक लिया गया। रोकने के बाद लड़का मेरा घर पे नहीं पहुँचा, और घर पे नहीं पहुँचता तो हम नाई को तो 5 बजे तक 4 बजे देखते रहे, ढूंढते रहे, उसके बाद जाके चौकी में कार्यालय किए। क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है आपके बेटे का? सर, हम ऐसे कुछ हम सब के बुनियाद पे नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन कुछ तो हुआ है सर, बिना हुआ मेरा लड़का तो गायब नहीं हुआ है। विद्यालय के लोग क्या बताए बच्चा? विद्यालय के लोग बता रहे हैं कि बच्चा आपका निकल गया है विद्यालय में से, हाँ विद्यालय में से निकल गया है, लेकिन वो पता नहीं निकला है कि नहीं। सर, क्या लगता है कि विद्यालय में ही कुछ उसके साथ अनहोनी हुआ? जी हाँ, विद्यालय में ही हुआ है। हाँ, विद्यालय में ही अनहोनी हुआ है, क्योंकि विद्यालय में उसके पीछे आदमी पड़ा था, विद्यालय में पीछे पड़ा था, तो वहीं से विद्यालय में संभल हुआ है। वही परिजनों को समझा बुझा कर पुलिस ने रोड जाम को समाप्त कराया और टीमें गठित कर जल्द से जल्द लापता छात्र को बरामद करने की बात कही है। गांव बीजापुर का छात्र मणिलाल पुत्र चंद्रबली, ये सेवा सदन इंटर कॉलेज का छात्र है, कल यहाँ पर 9वीं क्लास का छात्र है, कल यहाँ स्कूल आया था, स्कूल के बाद अभी तक घर नहीं पहुँचा है। पुलिस में इसकी गुमशुदगी दर्ज कर दी गई है, रिपोर्ट लिख दी गई है, और जो इसको ढूंढने की कार्रवाई है, इसको तलाश करने की और इसको बरामद करने की, यदि कोई अनहोनी बात है तो सारी प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ कर दी गई है। अलग अलग टीमें बना करके इस कॉलेज के अंदर का जो वीडियो फुटेज है उसको देख करके उसमें जो भी संदिग्ध आचरण किसी का नज़र आ रहा है उस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए अलग अलग टीमें बना करके कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र जो है इसको बरामद करके परिजनों तक पहुँचाया जाएगा। वही छात्र के घर न लौटने से परिवार के लोग काफ़ी परेशान हैं। परिजनों का कहना है कि छात्र के साथ कॉलेज परिसर में ही कुछ अनहोनी हुई है। बहरहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध व्यक्ति और लापता छात्र की तलाश में जुटी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भदोही से महेश जायसवाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।